हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि दिसंबर बीत चुका है, अब जनवरी आ चुका है, यानी कि नया साल आने वाला है। ऐसे में हमारी नई स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए कि हम जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, इस तरह करें 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देखिए, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो अगर आपको भी कामयाब होना है, बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क लाना है, तो आपको अभी एक फैसला लेना होगा, आपको एक गोल सेट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, आपने क्या पढ़ा है, कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, किस प्रकार से तैयारी की है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो जनवरी आने वाला है, नया साल हमारा आने वाला है, उसमें आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ेंगे, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, जो बचे हुए दिन है उनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि जो समय बीत चुका है वो अब बीत चुका है। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आपको ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़े होंगे। तो देखिए, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, बच्चे जो है कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो 60% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो 90% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, और स्टूडेंट की एक अलग कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट टॉप करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मुझे 80% मार्क मिल जाए बहुत है। ठीक है, तो आपको एक टारगेट चूज करना है। तो आप बताइए कि इनमें से आपने कौन सा टारगेट रखा है, आप कितना नंबर चाहते हैं। तो देखिए, 60%, 70%, 80%, 90% या 95% प्लस। तो जो ये छात्र होते हैं यही टॉपर बनते हैं, ठीक है, जो 95% प्लस का सपना देखते हैं वही टॉपर बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, आपको क्या क्या करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है। गोल का मतलब एक टारगेट, एक लक्ष्य, क्योंकि जब तक आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आप उसको हासिल क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक गोल सेट कीजिए। अगर आप 90% वाले स्टूडेंट हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मैं अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। 95% प्लस लाना चाहते हैं तो आपको और भी अच्छे से तैयारी करनी है। जो 24 घंटे आपके पास होते हैं उनमें से आपको 16 घंटे से 17 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तब आप 95% मार्क अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझते हैं। दूसरा हमारा टिप्स है, देखिए, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें जितने चैप्टर्स आपके बचे हैं, यानी कि जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है, सबसे पहले आप उन्हें कवर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट में जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा है उसे पढ़िए। जो चैप्टर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसमें जो भी चैप्टर बचा है जिनको आपने नहीं पढ़ा है उनको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं पढ़े रहेंगे आपका 95% वाला सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनमें से जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तब उसको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं, तीसरा हमारा जो टिप्स है, सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाकर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर टाइम टेबल ही आप कहते हैं, लेकिन टाइम टेबल इज मस्ट। ठीक है, टाइम टेबल आपको बना लेना है, अगर आप लोगों ने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट बनाकर पढ़ते होंगे, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट उसको पढ़ लिए, 25 मिनट, 30 मिनट उसको पढ़ लिए, आधा घंटा, 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए। इस प्रकार से आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होगा। आप अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे कि मुझे इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, ठीक है, आप अगर सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे 1 घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। जब आप पढ़ लें तो उसका रिविजन करें। ठीक है, क्या करें, रिविजन इज मस्ट। ठीक है, जो कुछ आप पढ़े उसका रिवीजन करें। तो आप लोग एक टाइम टेबल बना लें, उसमें सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करें, बराबर समय दें, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप अलग से टाइम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लेना, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी समय है, ठीक है, टॉपर बनने के लिए आपको
पास समय मायने नहीं रखता, आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। जैसा कि आपको बताया कि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पहले सिलेबस को पूरा करना है सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, उनका एक शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए फिजिक्स, ठीक है, आपकी फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, उनका अगर आप शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपके वो क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर रहेंगे, ठीक है। अगर हिंदी है, हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे रसचंद्र अलंकार हो गया, उसके बाद में कुछ जीवन परिचय हो गया, खंडकाव्य हो गया, ठीक है, कहानी हो गई, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। उसके बाद में देखिए, जो कुछ भी आप पढ़ें, जो कुछ आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने फिजिक्स में जो कुछ पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स जैसे है आपका, तो फिजिक्स में आपने जो कुछ भी पढ़ा तो उसको सुबह उठकर उसका रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि मान लीजिए आपने शाम को 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़े, आपको उस समय याद हो गए, ठीक है, आप सुबह उठकर जब उसे पढ़ेंगे तो आपको उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आप भूल चुके होंगे। इसीलिए जो कुछ भी आप शाम को पढ़ें उसका सुबह उठकर रिवीजन जरूर करें। सुबह उठकर आप लोग 3 से या 4 से 6 अगर रिवीजन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कोई भी टॉपिक होगा, तो रिवीजन आपको मस्ट है, ठीक है, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। आप जो कुछ भी कोचिंग या स्कूल से पढ़कर आते हैं उसको अगर घर पर नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको लगातार रिवीजन करते रहना है। उसके बाद में देखिए, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आ चुका है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, उनको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि इनका एक शॉर्ट नोट भी बना लीजिए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनका एक शॉर्ट नोट भी आपको बनाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मैं बोनस टिप्स देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर और टिप्स है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। तो क्या है, जो सोशल मीडिया है, देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, बहुत अच्छी चीज भी है, ठीक है, आप लोगों के लिए दोनों है, जिस प्रकार से आप यूज करें, इससे ज्यादा से ज्यादा इस समय आप दूरी बना लें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जितना आपके पास समय रहेगा, समय इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज, जितना समय आप पढ़ने में देंगे उतना समय आपका, उतना ही अच्छा परसेंट आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क आएगा। तो सोशल मीडिया से कम इसे यूज करें, ठीक है, यूज भी करें तो आप पढ़ाई के लिए, आपका पर्पस पढ़ाई के लिए होना चाहिए, स्टडी के लिए, ठीक है, आप लोग यूज करें, जो भी आपका टॉपिक फंसे वो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब गूगल पर, तो आप लोग सोशल मीडिया को कम से कम यूज करें, जैसे बहुत सारे रील्स शॉर्ट वीडियोज हैं, तो ये सब आप लोग इस समय कम देखिए, ठीक है, देखिए लेकिन इतना नहीं देखिए कि रिकॉर्ड टूट जाए, क्योंकि जब आप उसे देखने लगते हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसा एक जाल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, ये तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्टडी पर देना है। देखिए, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स और मॉडल पेपर्स को सॉल्व करते रहें। देखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं और मॉडल पेपर हैं, इनको आप लोग सॉल्व करते रहें, देखिए। और आप लोगों को एक काम और करना है, देखिए, आपके पास टोटल 3 घंटे, आपका पेपर देने के लिए 3 घंटे 15 मिनट होता है, ठीक है, जिसमें आपको जो पेपर देना है वो 3 घंटे में देना है, ठीक है। अब आप लोग खुद का टेस्ट लीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, आप लोग खुद का टेस्ट लीजिए कि क्या मैं 3 घंटे में कोई भी पेपर सॉल्व कर सकता हूं। आप क्या कीजिए, एक मॉडल पेपर ले लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप ले लीजिए, आप उसे सॉल्व कीजिए एक दिन बैठकर, देखिए आप 3 घंटे में पूरा पेपर कवर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये टेस्ट लेना, खुद की परीक्षा लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग बैठिए, एक सब्जेक्ट का 3 घंटे आप लोग समय निकाल कर बैठिए लगातार, ठीक है, उसको क्या कीजिए, मॉडल पेपर एक ले लीजिए, आप देखिए अच्छे से लिखिए और देखिए सॉल्व कर सकते हैं आप पेपर की नहीं, क्योंकि लगातार एक्सपीरियंस जब आपका रहेगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक है, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टर माइंड, ठीक है, इन सबको भी आपको ले लेना, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ते रहना है। उसके बाद में लास्ट टिप्स एक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके मार्क पर काफी प्रभाव डाल सकता है। देखिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग जो है, यानी कि लिखावट अच्छी नहीं है, तो अभी भी समय है, आप सुधार लीजिए। इसको सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी में हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, हिंदी आप अच्छी नहीं लिखते हैं, तो आप क्या कीजिए, डेली, ठीक है, डेली आप 2 पेज या 3 पेज, 2 से 3 पेज आप डेली लिखिए,
ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपने 10 से 15 दिन 20 दिन फॉलो कर लिया तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती चली जाएगी। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप ये भी समय आप सुधार लीजिए उसको अच्छे, क्योंकि हैंडराइटिंग का भी आपके एग्जाम के पेपर में काफी योगदान होता है। आपके लगभग 5 से 10 नंबर इसी पर डिपेंड करते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो देखता है कि बच्चे ने कितना अच्छा लिखा, जितनी अच्छी आपकी लिखावट होगी उतना ही नंबर आपको देगा, क्योंकि एक एक वर्ड वो तो चेक नहीं करता है। आपके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसको अच्छे से लिखना है, 2-3 पेज जो है, ठीक है। उसके बाद में बीच में आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देंगे थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। और जब आप अच्छी हैंडराइटिंग नहीं लिखेंगे, अच्छी आपकी राइटिंग नहीं है, तो आप अगर एकदम सटीक आंसर भी लिखेंगे तब भी वो चेक करेगा, ठीक है, कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। तो आपकी हैंडराइटिंग भी काफी ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, जनवरी से आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क अचीव कर सकें। आपको डेली सुबह उठकर जरूर पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।